अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना वायरस का कहर अभी जारी है। 21 दिन के लॉकडाउन के आज दूसरे दिन लोगों को समझ में भी आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही इस पर काबू पाया जा सकता है। बावजूद इसके छूट अवधि में जिस तरह लोग किराना, सब्जी व फल मंडी पर टूट पड़ रहे हैं, उसे देखते हुए समझना होगा कि कम से कम ऐसे तो कोरोना से पार नहीं पाया जा सकेगा। प्रशासन ने छूट हालांकि आवश्यक वस्तुओं के लिए दी है, लेकिन इसका लाभ कुछ लोग जमकर बिना वजह भी उठा रहे हैं। इस बीच मेरठ श्रम विभाग द्वारा मेरठ व बागपत जिले में करीब 32,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये प्रति डाल दिए गए हैं। आज बड़ी संख्या में फर्स्ट बाइट की टीम को ऐसे लोग भी मिले जो संसाधन न मिलने के कारण दूसरे जिलों में अपने घर पैदल ही जा रहे थे। इस भीषण गर्मी में पैदल चलना खासा मुश्किल भरा कदम है, लेकिन इन लोगों का दर्द यह है कि यदि कोरोना से ये किसी तरह बच भी गए तो भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। कोरोना विश्व में एकदम से आया हो ऐसा नहीं है। दुनिया कई दिन कई माह से इससे जूझ रही है। हिंदुस्तान में अब इसे लेकर गंभीरता दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एकाएक ही लॉकडाउन किया गया, जिसका असर यह हुआ कि तमाम लोग दूसरे इलाकों में ही फंस गए हैं और उन्हें वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने हालांकि प्राइवेट संस्थानों से अपील की थी कि मानवता के आधार पर किसी का वेतन ना काटे, लेकिन तमाम ऐसे लोग सड़कों पर पैदल नजर आ रहे हैं जिनके संस्थानों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वे वापस अपने घर लौट जाए, लेकिन जाए कैसे? यातायात के सभी साधन बंद हो गए हैं। ऐसे में मजबूर लोगों ने पैदल ही घर की तरफ रुख कर लिया है। इन लोगों का साफ कहना है कि यदि ऐसे में वह कोरोना से नहीं मरे तो भूखमरी से जरूर मर जाएंगे, लिहाजा मजबूरी है कि कैसे भी चाहे पैदल ही अपने घर की तरफ रुख कर लिया जाए। आज फर्स्ट बाइट की टीम ने ऐसे ही तमाम लोगों से बात की। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं ऐसे लोग। विपिन, हम ममूरा से आ रहे हैं जी। तो पैदल ही चल के आ रहे हैं? हाँ जी, पैदल ही चले हैं वहाँ से। रास्ते में कोई सवारी नहीं मिली? रास्ते में सवारी का कोई साधन नहीं है बिल्कुल भी। किसी से लिफ्ट के लिए हाथ दिया है? दिया बता रहा हूँ, पर रोकी नहीं किसी ने। किसी ने नहीं रोकी? कहाँ पे जाएंगे अभी? हम जाएंगे जी जिला बिजनौर। तो यहाँ पे अभी आप रुक के आराम कर रहे हैं? हाँ जी, यहाँ आराम कर रहे हैं अपना, जैसे बैठ कर थोड़ी देर के लिए। और कितने लोग हैं साथ में? हम जी 13 लड़के हैं। क्या काम करते हैं सब लोग? हम जी चिनाई प्लास्टर का काम करते हैं अपना, ममूरा के अंदर, नोएडा में। हाँ, नोएडा में। तो अभी जो काम कब से बंद हो चुका था? काम 22 तारीख से बंद हो गया जी सर। 22 तारीख से काम बंद हो गया। तो उसके बाद रुके हुए थे, कब निकले वहाँ से आप? हम निकले जी 25 तारीख को। आज रात? आज रात की 25 तारीख की जी। तो वहाँ से चल के यहाँ यहीं पे रुके कि बीच में भी कहीं रुके? थोड़ा स्टॉप मारते चले आए अपना, एक डेढ़ घंटे वैसे ही मार दिया। हाँ, सवारी कहीं नहीं है जी। बोलते चले जाओ अपना नाम। क्या नाम है जी? मनी राम। बताओ कहाँ से आना हुआ, कैसे हुआ? ममूरा से। क्या काम करते हैं आप? प्लास्टर का। कितने लोग हैं टोटल? 13। तो अभी कहाँ पे जाएंगे आप? बिजनौर जाएंगे, गांव भोजपुर, बहुतपुर। सर गोहाना से आ रहे हैं। क्या नाम है? गौरव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सर फरीदपुर रतमाली। कहाँ पे काम करते हो? सर सोनीपत गोहाना, सोनीपत से आगे। अब चल के हम वहीं से पैदल आ रहे हैं सर। पैदल आ रहे हो? कब जी चले सर? थे चले थे? कल सुबह चले थे। तो रास्ते में कोई सवारी या साधन कुछ मिला? नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला। नहीं सर, कुछ नहीं मिला। बीच में कहीं रुके या सीधे चलते ही आ रहे हो? सर बैठ बैठ कर आ रहे हैं। खाने के लिए? सर कल से कुछ, सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? नहीं सर, रास्ते में केले वहाँ भी चावल खाए थे, भंडारा हो रहा था वहाँ पे, थोड़े चावल खाए थे सर। जी सर। बाकी रास्ते में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है कुछ, कैसा? नहीं नहीं, और कोई परेशानी? नहीं सर, परेशानी तो कुछ नहीं, बस मैं यहीं पे पीछे परेशानी हुई थी थोड़ी सी। क्या परेशानी? सर वहाँ पे पकड़ लिया था, कह रहे तुम कानून तोड़ कर जा रहे हो यार, वो बिठा लिया, मारने लगे हमको, बोले पैसे दो, थोड़े पैसे, 5,000 रुपये दो। 5,000 रुपये मांग? हमने अपने आईडी आधार कार्ड वगैरह दिखाए। हम बोले सर घर पे जा रहे हैं, हम परेशानी मार रहे हैं सर, वहाँ पे खाने दाने की हम परेशानी ज़्यादा थी, इसलिए हम अपने घर पे आ गए पैदल पैदल। सवारी कोई है नहीं सर? सवारी कोई है नहीं जी सर। तो काम क्या करते हैं आप? सर इंटरलॉकिंग का काम करते हैं। तो काम बंद है कुल? जी सर, वहाँ पे काम बिल्कुल बंद। तो अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं? जी अपने घरों को आ रहे हैं। तो अभी यहाँ से कितना आगे और चलना है आपको? हमको सर यहाँ से कम से कम 40 किलोमीटर चलना है आगे। 40 किलोमीटर अभी और चलना जी? और चलना। और कल से कुछ खाया पिया जी? कुछ नहीं खाया।
इनमें ही शामिल कुछ युवकों का कहना था कि रास्ते में एक जगह पुलिस ने उनसे पैसे भी ले लिए। पुलिस का यह संभवतः रूप भी हो सकता है, लेकिन मेरठ में ऐसे तमाम वाक्य देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने पुलिस की क्रूर वाली छवि को भी पूर्णतः बदल दिया। वर्दीधारी तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे गरीब लोगों को खाना मुहैया कर रहे हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी मैसर नहीं है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ पल। व्यक्ति बदायूं का रहने वाला था, बदायूं से 25 किलोमीटर से आगे का था और वो कुछ पैसे मजदूरी कमाने के लिए गया था पानीपत। पानीपत 2 दिन की उसे झाड़ी मिली, बाकी फिर ये लॉकडाउन वगैरह हो गया, उसके 1000 रुपये वहीं पे खाने वाने में खर्च हो गए। वो पानीपत से पैदल चलकर मेरठ होते हुए जा रहा था बदायूं, हमने उसे रोका। उसके हाथ में अपने कपड़े थे और बिछाने के ओढ़ने के कपड़े थे, उसे हमने रोका तो उसने बताया कि मेरे पे ना पैसे हैं, भूखा भी हूँ और पानीपत से चल के आ रहा हूँ और बदायूं जा रहा हूँ पैदल ही। किसी ने उसे लिफ्ट भी नहीं दी, तो उसको हमने बैठाया, पहले पानी पिलवाया, चाय पिलवाई, खाना खिलवाया। ये जो हैं दीवान जी, ये अपने होमगार्ड हैं हमारे, ये अपने घर से खाना लाए थे, तो उसको खाना खिलवाया, उसमें रोटी शाम के लिए भी उसे दी। उसके बाद उसे थोड़ी देर आराम किया, फिर उसे 150 रुपये दे के और नंगलामल की एक बस जाती है जिसका पास बना हुआ मील में जाती है, उसमें हमने नंगलामल वाले रोड तक बैठाया उसको। उसके बाद वो अपने गंतव्य पर चला गया होगा। वो बदायूं से 25 किलोमीटर आगे का बता रहा था, वहाँ तक उसको पहुँचना है, तो हमने उसको 150 रुपये भी दे दिए थे, भाई कल खाना वाना खा लेना अपना, पैसे भी दे दिए थे उसको, खाना यहाँ खिलवाई दिया था। हाँ नहीं, अभी कोई ऐसा अभी और कल से नहीं मिला है, कोई मिलेगा और वो बीमार नहीं होगा, सांस नहीं, जो पैदल चल के आ रहा है वो बीमार तो हो नहीं सकता। तो हमने यही है, जिसकी जो हेल्प हो जाए करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सर, मेरा राजीव वर्मा है। मैं जो है यहाँ से आया हूँ शास्त्री नगर से, सेक्टर 3 से, 328/3 मेरा मकान नंबर है। तो सर, ये लॉकडाउन की वजह से जो है ये गरीब बच्चे परेशान तो हो रहे थे सर, ये क्योंकि चल भी नहीं, रोड चल भी नहीं पा रही, क्योंकि ये तो मांग के खाने कमाने वाले हैं। तो सर, इस वजह से जो है मैंने घर पे अपने खाना बनवाया कि जिससे कि बच्चों, गरीब बच्चे जो है परेशान ना हो। मैं तो सर ये जो है भाई, मैंने कहा ले के चले थे फिर अब सर दोपहर के टाइम। कितने बच्चों को आपने सर? कम से कम जो है 35-40 बच्चे होंगे सर। सर, और अभी शोरूम के पास भी जाना अभी है। सर, हमें तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये कोरोना वायरस से बच भी रहे हैं, मगर फिर भी लॉकडाउन है, अच्छा ही है सर, ये वायरस ज़्यादा ना फैले। जो बेचारे जो भी जो मेरा नाम साक्षी है, जो खाना मतलब जो गरीब हैं वो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनके पास टाइम भी नहीं है, कहीं बाहर जाएंगे उसके लिए भी पाबंदी है, तो इन लोगों के लिए हमने सोचा था अपने घर पे ही खाना बना लिया थोड़ा सा, और उनके लिए खाना देने आए थे अब इस टाइम दोपहर में। आपका क्या नाम है? रीना। मेरा नाम रीना है। हम लोगों के गरीब लोगों को बांटने आए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन लोगों को खाना देकर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर नहीं वायरस की वजह से निकल पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हम लोग और आगे भी जा रहे थे बांटने। सर, हमारे साथ तो जितना हो सकता है हम तो उतना ही कर सकते हैं, जितने हम वो कर सकते हैं बच्चों के लिए, कि और परेशान ना हो मैं इस वजह से, कोई बच्चा भूखा भी ना सोवे। हमारी तरफ से तो सर पूरी वो रहेगी, हाँ जितना हमसे हो सकता है सर हम उतना करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे हम अपने हाथ से। आज छोटा कराए कल बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं था, पहली बार करा हमने ऐसा, फर्स्ट टाइम करा हमने, आगे और बड़ा करेंगे हम। इस बीच यह भी जानकारी में आया है कि मेरठ श्रमायुक्त के अधीन आने वाले जनपद मेरठ में कुल श्रमिकों की संख्या करीब 75,000 है। इनमें से 29,141 लोगों के खातों में 1,000 रुपये प्रति आज डाल भी दिए गए हैं। बागपत के 2,749 लोगों के खाते में भी पैसा गया है। विभाग के मुताबिक इस मद में उन्हें 3 करोड़ रुपए मिला था जो दिया जा चुका है। अब बाकी श्रमिकों के लिए और धनराशि की मांग की जा चुकी। इस श्रेणी में श्रमिक केवल उन लोगों को ही माना गया है जो भवन निर्माण से संबंधित है, बाकी लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।